वो काल तेरी सगुन रिसाली का सुना है, हर तरफ चर्चा है तेरी जादू भयानी का, मौसूम टाइस पर साजिद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, उस्ताद मोहतरम और महफिल में शरीक काबिल कदर हाजरीन, मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जैसे एक अतना सा तालिब इल्म को यौम आज़ादी पर कुछ बोलने का मौका दिया। आज हमें बेहद खुशी हो रही है कि हम उलमाए कलाम और पुरखों की कुर्बानी के नतीजे में तिरंगा लहराकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हिंदुस्तान की सरजमी पर मुगल बादशाहों ने निहायत इंसाफ के साथ सैकड़ों बरस हुकूमत की, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि तन के गोरे और मन के काले अंग्रेजों ने इस इंडिया का कोई गायब करने के बहाने हिंदुस्तान की सरजमी पर कब्जा करके हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम और नाइंसाफी का बाजार हराम किया और इस मुल्क के बाशिंदों का जीना हराम किया। ऐसे वक्त में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले फतवा देने वाले शख्स शाह अब्दुल अजीज मोहम्मद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके फतवे के असर से पूरे हिंदुस्तान के तबके तबके में जज्बाए जिहाद पैदा हुआ और इस फतवे के बाद तहरीके रेशमी रुमाल चलाया गया, तहरीके बाला तोड़ चलाया गया, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चली, शामली का जिहाद हुआ और इस जिहाद आजादी में सैकड़ों उलमाए कराम को फांसी दी गई। हजारों हजारों की आजादी में फांसी के बंदे चुने, हमारे आबा व अजदाद और हमारे पुरखों ने अपने बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा किया, जेल की कार कंट्री को आबाद किया, अंग्रेज फौज की गोलियों का सामना किया, तब जाकर हमारा यह मुल्क आजाद हुआ। मैं अपनी बात को शायद खत्म करता हूँ। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा।